सभी बच्चों को मेरा जय जोहार। बच्चों, आज कक्षा 8वीं में गणित विषय में हम पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है संख्याओं का खेल। बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि हम कक्षा 6वीं में सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़े थे। प्राकृत संख्या मतलब गणना की जाने वाली संख्याओं को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं, उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4 इत्यादि। इसी तरह से बच्चों, हमने पूर्ण संख्याओं के समूह का अध्ययन किया था, जिसे हम होल नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, सोचिए कि पूर्ण संख्या के बारे में आपने क्या पढ़ा था। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों आप, वह संख्याओं का समूह जिसमें गणना संख्या के साथ में शून्य भी शामिल हो पूर्ण संख्या कहलाती है। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या के समूह को हम प्रदर्शित करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो बच्चों, यहाँ देखेंगे हम कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी संख्या में 1 जोड़ने पर उससे बड़ी संख्या प्राप्त की जाती है। इसीलिए हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते। बच्चों, आइए बच्चों आगे देखते हैं। हम यहाँ पे पूर्ण संख्याओं के कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं का योग। योग के लिए हम देखेंगे कि पूर्ण संख्या किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, संवरक नियम। बच्चों, यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो उनका योग सी भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए बच्चों, हम ये कह सकते हैं, कहीं यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या है और उसका योग हम करते हैं, तो योग करने पर जो संख्या हमें मिलती है वह सी है। तो अर्थात हम कहेंगे ए धन बी बराबर सी। उदाहरण के लिए हम ए का मान 10 ले लेते हैं और बी का मान 5 ले लेते हैं। अब कहीं ए में बी का योग करेंगे, ए धन बी करेंगे, तो 10 में जब हम 5 का योग करते हैं तो हमें योगफल मिल रहा है 15। तो यहाँ 15 जो है सी है। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि संवरक नियम में जब दो पूर्ण संख्याओं का योग हम करते हैं, तो योगफल जो हमें प्राप्त होता है वह भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। इसे ही हम पूर्ण संख्या के लिए संवरक का नियम कहेंगे। बच्चों, आइए आगे हम दूसरा नियम देखते हैं। बच्चों, हमारे पास है क्रम विनिमय नियम। यदि बच्चों हम दो संख्याओं को क्रम बदल के जोड़ते हैं, तो उसका मान में कोई बदलाव नहीं आता है। इसी नियम को बच्चों हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हो, तो उसका योग ए धन बी और उनका क्रम बदल कर जब हम योग करते हैं बी धन ए करने पर योगफल समान प्राप्त होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्रम विनिमय नियम जो है वह होगा ए धन बी बराबर बी धन ए। अब यदि हम ए का मान 10 ले लेते हैं और बी का मान 15 ले लेते हैं, तो हम देखेंगे बच्चों कहीं 10 में हम 15 का योग करते हैं या 15 में 10 का योग करते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में योगफल हमें 25 प्राप्त होता है। इसे ही हम बच्चों क्रम विनिमय नियम कहते हैं, जिसे हम कहेंगे ए धन बी बराबर बी धन ए। यह है क्रम विनिमय नियम। बच्चों, आइए बच्चों अब हम शून्य को योग का तत्समक कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसी पूर्ण संख्या ए में शून्य जोड़ने पर या शून्य में कोई पूर्ण संख्या जोड़ने पर दोनों ही स्थितियों में इसका मान समान होता है। जैसे कि हम कोई संख्या ले लेते हैं पूर्ण संख्या ए, और ए में कहीं हम शून्य जोड़े या शून्य में ए जोड़े, तो हमें योगफल सदैव ए ही प्राप्त होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है संख्या में। जैसे उदाहरण के लिए 25 में कहीं हम शून्य को जोड़े या शून्य में 25 को जोड़े, तो दोनों ही स्थितियों में बच्चों हमें योगफल 25 प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम कहेंगे बच्चों कि किसी संख्या में जब हम शून्य को जोड़ते हैं, तो संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी को हम शून्य के का योग का तत्समक नियम कहते हैं। बच्चों, आइए बच्चों अब हम देखते हैं सहचर नियम। यदि हमारे पास तीन संख्याएं हैं, या हम कह सकते हैं कि यदि हमारे पास तीन संख्याएं ए बी सी और यह तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो
सहचर नियम कहता है कि तीन संख्याओं को क्रम बदल कर जब हम जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। उदाहरण के लिए जैसे ए धन बी को हम कोष्टक में लिख लिए, धन सी का जब हम योग करेंगे अंतिम में, या पहले हम बी धन सी का योग करें और उसमें कहीं ए को जोड़ते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में हमें योगफल समान प्राप्त होता है। इसे ही हम गणित में सहचर नियम कहते हैं और पूर्ण संख्याओं में सहचर नियम जो है लागू होता है। इस तरह से सहचर नियम का जो हम कहेंगे कि ए धन बी जो कोष्टक में हो, धन सी बराबर ए धन कोष्टक में बी धन सी, यहाँ देखेंगे बच्चों हम क्रम बदल के संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे ही हम सहचर नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने ए का मान 3 लिया, बी का मान 5 लिया और सी का मान 7 को रखने पर सहचर नियम में इसका मान में जो है योग में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। जैसे कि हम बाएं पक्ष में देखते हैं बच्चों, कहीं कोष्टक को पहले हम हल करते हैं तो 3 में जब हम 5 को जोड़ेंगे बच्चों तो हमें योगफल 8 प्राप्त हो रहा है, और 8 में फिर 7 को हम जोड़ते हैं तो हमें योगफल 15 प्राप्त हो रहा है। ये हमारा बायां पक्ष है। कहीं हम दाएं पक्ष में देखते हैं बच्चों, 3 धन कोष्टक में 5 धन 7, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कोष्टक में रखी संख्याओं का योग पहले हम करेंगे। तो 5 और 7 का जब हम योग करेंगे, 5 धन 7 का योग करेंगे तो हमें योगफल प्राप्त हो रहा है 12, और 3 में जब हम 12 को जोड़ते हैं तो हमें योगफल 15 प्राप्त हो रहा है। दोनों ही स्थितियों में हमें योगफल समान प्राप्त हो रहा है। इसे ही बच्चों हम सहचर नियम कहते हैं। इस तरह से हम कहेंगे कि बच्चों की पूर्ण संख्याओं के लिए सहचर नियम लागू होता है। पूर्ण संख्याओं का घटाना हम देखेंगे बच्चों। संवरक नियम जो होता है पूर्ण संख्याओं में घटाने के लिए लागू नहीं होता है। कुछ स्थितियों में हम देखते हैं बच्चों, जब हम घटाते हैं तो हमें पूर्ण संख्या तो मिलती ही है। जब एक संख्या बड़ी पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होती है तो अंतर जो है वो पूर्ण संख्या तो आता है बच्चों, और जब दो संख्या बराबर ही होती है और जब हम इसे घटाते हैं तब भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। मगर जब पहली संख्या छोटी होती है और दूसरी संख्या बड़ी होती है और जब हम इसे घटाते हैं तब उस स्थिति में हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से हम कहेंगे बच्चों कि संवरक नियम जो है वो घटाने के लिए लागू नहीं होता है पूर्ण संख्याओं के लिए। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं बच्चों, जब हम 15 में 10 को घटा रहे हैं तो हमें 5 प्राप्त हो रहा है, तो पहली संख्या जो है बड़ी है छोटी और दूसरी संख्या छोटी है। इस तरह से हमें घटाने पर जो अंतर मिल रहा है वह पूर्ण संख्या मिल रहा है। दूसरे उदाहरण में हमने देखा है कि दो संख्याओं को हमने बराबर लिया और उसको घटा दिया है, तो दो संख्या को जब हम बराबर संख्या को घटाते हैं तो हमें सदैव शून्य मिलता है, ये तो हम जानते ही हैं बच्चों, और शून्य हम जानते हैं बच्चों कि ये पूर्ण संख्या है। तो जब दोनों संख्या बराबर होती है और उसे हम एक दूसरे से घटाते हैं बच्चों तो हमें पूर्ण संख्या तो मिलती है। मगर तीसरे उदाहरण में देखिए बच्चों, पहली संख्या 15 छोटी है किससे, 20 से। 15 में से जब हम 20 को घटा रहे हैं तो इसी स्थिति में जो है हमारे पास जो है ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, -5, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसीलिए हम कहेंगे बच्चों कि पूर्ण संख्याओं का घटाने के लिए संवरक नियम का पालन नहीं होता है बच्चों। अब हम शून्य की विशेषता पढ़ते हैं घटाने के लिए, कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य को घटाने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यदि ए कोई पूर्ण संख्या है और कहीं ए में हम शून्य को घटाते हैं तो उसमें संख्या का मान में परिवर्तन नहीं आता है, ए -0 बराबर ए ही होता है बच्चों। उदाहरण के लिए कहीं हम ए के स्थान पे 5 लेते हैं बच्चों, तो 5 में जब हम शून्य को घटाएंगे बच्चों तो हमें 5 ही मिलेगा, 5 ही प्राप्त होगा संख्या, वही संख्या प्राप्त होती है। ये शून्य का विशेष गुण है कि किसी संख्या में जब हम शून्य को घटाते हैं तो संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आइए बच्चों हम पूर्ण संख्याओं का गुणा के लिए संवरक नियम देखते हैं। बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि गुणा के लिए संवरक नियम पूर्ण संख्या के लिए लागू होता है। यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या है और इनका गुणनफल सी भी जो है सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, जिस तरह से हमने योग में देखा कि था कि ए धन बी बराबर सी होता है, उसी तरह से गुणा के लिए जो है पूर्ण संख्या का नियम लागू होता है। जैसे ए गुणा बी बराबर सी, यदि हम ए को 5 ले लेते हैं, ए का मान 5 ले लेते हैं और बी का मान 10 ले लेते हैं, और जब हम ए गुणा बी कर रहे हैं तो 5 को हम जब 10 से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमें
50 प्राप्त होगा, तो सी का मान हमारा 50 हो गया। अब बच्चों हम जानते हैं बच्चों कि 50 जो है पूर्ण संख्या है। इस तरह से हम देखें बच्चों कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। इसे ही बच्चों हम संवरक नियम कहते हैं, जो कि गुणा के लिए संवरक नियम लागू होता है। बच्चों पूर्ण संख्याओं का गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। बच्चों यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या है और इनका गुणनफल ए गुणा बी या इसका क्रम बदलकर जब हम गुणा करते हैं बी गुणा ए, दोनों का मान समान होता है, अर्थात ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए। उदाहरण के लिए कहीं हम ए का मान 5 ले लेते हैं और बी का मान 7 ले लेते हैं। जब हम 5 को 7 से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमें 35 प्राप्त होगा, और यदि हम 7 को 5 से गुणा करेंगे तो उस स्थिति में भी हमें गुणनफल 35 ही प्राप्त हो रहा है। इसे बच्चों हम कह सकते हैं कि गुणा के लिए पूर्ण संख्या में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। बच्चों आइए आगे देखते हैं। बच्चों शून्य की विशेषता जैसे है कि शून्य की विशेषता यहाँ पे है कि किसी संख्या में किसी उसी संख्या को कहीं हम घटाते हैं बच्चों तो वो शून्य प्राप्त होता है। ये चीज़ हमने देखा था कि किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या को घटाने पर हमें शून्य प्राप्त होता है। यदि ए कोई पूर्ण संख्या है तो ए ऋण ए का मान सदैव शून्य प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए कहीं हम ए का मान 15 ले लेते हैं तो 15 में 15 को जब हम घटाते हैं तो हमें सदैव जो है शून्य प्राप्त होता है। तो जब हम संख्या को उसी संख्या से घटाते हैं तो घटाने पर हमें सदैव शून्य प्राप्त होता है। और उसके बाद बच्चों हम गुणा के लिए सहचर नियम का अध्ययन करेंगे। किसी तीन संख्याओं को हम क्रम बदल कर गुणा करते हैं तो गुणनफल जो है सदैव जो है वह समान होता है। तो यदि हम संवरक नियम यह कहता है कि यदि तीन या तीन से अधिक संख्याओं को किसी क्रम में गुणा किया जाए तो गुणनफल का मान सदैव समान होता है, अर्थात ए गुणा बी जो कोष्टक में हमने पहले रखा है, क्योंकि ए को हम पहले बी से गुणा करेंगे और उसका गुणनफल जो प्राप्त होगा उसको सी से गुणा करें, या बी को पहले गुणा कर ले सी से और उसका गुणनफल जो मिलता है उसको हम ए से गुणा करेंगे, तो सदैव दोनों ही स्थिति में इसका मान समान होता है। इसे ही हम सहचर नियम कहेंगे गुणा के लिए, जो कि लागू होता है पूर्ण संख्या के लिए। उदाहरण के लिए कहीं हम ए का मान 4 लेते हैं, बी का मान 5 और सी का मान 6 लेते हैं। अब कहीं हम दिए गए समीकरण जो सहचर नियम में हमने बनाया है ए गुणा बी कोष्टक में गुणा सी, उसमें हम बाएं पक्ष में ए का मान 4 रखते हैं, बी का मान 5 और सी का मान 6 रखते हैं। तो सबसे पहले कोष्टक को कहीं हल करेंगे तो 4 को 5 से गुणा करने पर हमें मालूम है बच्चों कि 20 प्राप्त हो रहा है, और 20 को जब हम 6 से गुणा करेंगे तो हमें 120 प्राप्त होगा। यहाँ हमारे बायां पक्ष हल हुआ। उसी तरह से कहीं हम दायां पक्ष को देखते हैं, ए गुणा कोष्टक में बी गुणा सी, बी का मान हमने 5 रखा कोष्टक में के अंदर में, गुणा सी की जगह में हमने 6 रखा। अब इसे गुणा करते हैं बच्चों, तो 5 को गुणा करेंगे 6 से तो हमें क्या प्राप्त होगा? हाँ बिल्कुल सही, 30 प्राप्त होगा। और जब हम 30 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो हमें 120 प्राप्त हो रहा है। यहाँ दोनों पक्ष जब हम हल कर रहे हैं तो बायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों समान आ रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुणा के लिए सहचर नियम लागू होता है। बच्चों गुणा के लिए शून्य का विशेष गुण हम देखते हैं बच्चों कि किसी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। यदि शून्य को किसी पूर्ण संख्या यदि ए कोई पूर्ण संख्या है और ए को हम शून्य से गुणा करते हैं तो गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए कहीं हम ए के स्थान पर 5 लेते हैं और 5 को शून्य से गुणा करते हैं, तो किसी भी संख्या को जब हम शून्य से गुणा करते हैं बच्चों तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। इस तरह से हम कहेंगे बच्चों कि गुणा के लिए शून्य से जब हम गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। गुणा के लिए एक और विशेष गुण यह है बच्चों कि किसी पूर्ण संख्या में एक का गुणा किया जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि किसी संख्या ए को हम एक से गुणा करेंगे तो हमें सदैव ए ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए 11 को हमने एक से गुणा किया तो हमें 11 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे बच्चों कि किसी संख्या को एक से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। वितरण नियम बच्चों, यदि ए बी सी तीन पूर्ण संख्या हो और यहाँ पे वितरण नियम में यह कहता है कि ए कोष्टक में हमने बी धन सी लिखा है, तो जब हम
कोष्टक को खोलते हैं बच्चों, तो पहले ए जो है पहले बी से गुणा होता है, ए गुणा बी धन, फिर ए जो है वह दूसरा जो सी है हमारा दूसरा जो संख्या उससे गुणा होता है, ए गुणा सी। तो गुणा का इसी को हम गुणा का योग के लिए वितरण नियम कहते हैं। और अब यहाँ पे हमने क्या करेंगे, गुणा के लिए अंतर में वितरण का नियम का अध्ययन करेंगे कि यह किसे कहते हैं। कहीं ए लेते हैं और कोष्टक में बी ऋण सी लेते हैं, और जब हम इसे गुणा करेंगे बच्चों तो हमें बाएं पक्ष में प्राप्त होता है ए गुणा बी। पहले ए जो है वो पहली संख्या कोष्टक की पहली संख्या से गुणा होगा, ए गुणा बी, ऋण के स्थान पे हम ऋण लिखेंगे, और फिर जो बाहर में जो कोष्टक के बाहर ए है उसको हम दूसरा जो संख्या सी है उससे गुणा करें तो ए गुणा सी। इसे हम गुणा का अंतर के लिए वितरण नियम कहते हैं बच्चों। पूर्ण संख्याओं का भाग का अध्ययन करेंगे बच्चों। अभी हम किसी पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या का भाग देने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। आइए उदाहरण से इसे हम समझते हैं बच्चों। पहले हम लेते हैं कोई संख्या 10 और 10 को हम 5 से भाग देते हैं तो हमें भागफल प्राप्त हो रहा है 2। यहाँ पूर्ण संख्या है तो यहाँ पे तो ये लागू हो रहा है, जब 2 पूर्ण संख्या को हम भाग दे रहे हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है ना। हमने देखा कि पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या छोटी है, और जब हम दोनों संख्या को वही लेते हैं और भाग करते हैं, जैसे 10 को 10 से भाग दे रहे हैं तो हमें भागफल प्राप्त हो रहा है 1 जो कि पूर्ण संख्या है। मगर तीसरी स्थिति में देखिए बच्चों, जब हम 10 को 20 से भाग देते हैं 10 भागी 20, तो जब 10 को हम 20 से भाग देंगे तो हमें भागफल जो है दशमलव में मिलेगा 0.5। और जब बच्चों जैसे हम जानते हैं कि दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कहते हैं, तो हमने देखा बच्चों कि जब हम 10 को 20 से भाग दे रहे हैं तो हमें दशमलव संख्या प्राप्त हो रही है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भाग के लिए जो है यह 2 पूर्ण संख्याओं को जब हम भाग देते हैं तो उसका जो भागफल है सदैव पूर्ण संख्या नहीं मिलता है। यहाँ पे यह संवरक नियम लागू नहीं होता है। भाग के लिए पूर्ण संख्या का विशेष गुण, यदि ए कोई पूर्ण संख्या है और शून्य को छोड़कर कहीं हम ए को ए से भाग देते हैं तो हमें सदैव भागफल 1 प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने एक संख्या 15 ले ली और 15 को जब हम 15 से भाग दे रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 1। तो जब हमने देखा बच्चों कि किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होता है, और उसी तरह से कहीं हम किसी संख्या को 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो यह होता है भाग के लिए 1 का विशेष गुण कि किसी पूर्ण संख्या में 1 से विभाजित करने पर भागफल सदैव वही संख्या प्राप्त होता है। यदि ए कोई पूर्ण संख्या है और ए को हम 1 से भाग देते हैं तो हमें सदैव ए ही प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए 15 को जब हम 1 से भाग दे रहे हैं बच्चों तो हमें 15 प्राप्त हो रहा है। तो यह भाग के लिए 1 का विशेष गुण था बच्चों। आइए बच्चों अब हम आपके लिए छोटा सा गृह कार्य दे रहे हैं जिसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में हल कीजिएगा। आपको नियम पहचान कर इसका नियम लिखना है, जो नियम का अभी हमने अध्ययन किया है। तो पहला प्रश्न है हमारा, कोष्टक में 10 धन 15, कोष्टक बंद, धन 20 बराबर 10 धन कोष्टक में 15 धन 20। तो इसे आपको यहाँ पे लिखना है कि ये कौन सा नियम है योग के लिए। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है, 2 कोष्टक में 5 धन 7 बराबर 2 गुणा 5 धन 2 गुणा 7। यहाँ पे गुणा भी है और योग भी है, तो हमने जो अध्ययन किया था उसका नियम आपको यहाँ पे लिखना है कि यहाँ कौन सा नियम का पालन कर रहा है संख्याएं। तीसरा प्रश्न है, 3 गुणा 5 बराबर 5 गुणा 3, इसका भी आपको नियम लिखना है बच्चों कि कौन सा नियम का पालन कर रहा है ये। चौथा प्रश्न है, 4 धन 7 बराबर 7 धन 4, और अंतिम में पांचवा प्रश्न है, 11 गुणा 1 बराबर 11। यहाँ पे आपको नियम लिखना है। तो बच्चों अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।